गाइस अभी निकल चुके हैं जाफराबाद के लिए, काइट मार्केट में जाएंगे एंड दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मंजे और पतंग देंगे। क्या कह रहा था वो लटका से देख के जा रहा था। हम पहुंच चुके हैं जाफराबाद मार्केट एंड अभी दिखाने वाले हैं आपको काइट मार्केट, अलग अलग तरीके के मंजे और पतंग भी लेंगे शायद आज, मैं दिखाता हूँ आपको। मोहित भाई अभी मोल भाव करेंगे, देखते हैं क्या प्राइस मिलता है पतंग का। इससे बड़ा शायद आज नहीं आता सर, आ रहा है तो लेकिन वो यहाँ शायद ही मिलेगा। इससे बड़ा यहाँ का भाई बताओ सही लगा रहे हैं। पतंग का सैकड़े का हिसाब क्या हुआ भाई? भाई सैकड़े में 100 पतंग होती हैं, 25 चौक के होते हैं, मतलब एक चौक का 4 पतंगों का होता है आपको, आप देख लो। आप खुला वालों, आप क्या रेडियो तुम्हारे साथ के वीडियो बनाने वाले भूल गए भाई। अब भाई अपने 100 पतंग भाई इसमें तिरंगा मिक्स कर देना अगर हो तो। तिरंगा नहीं है भाई, सभी ले जाओ 100 टाइट्स एंड देखते हैं कैंडल कितने देंगे हम। लास्ट में दिखाता हूँ पूरी टोटल, हमने 800 पिंकी आज एंड थोड़ा बहुत दिखाता रहूँ मैं बीच बीच में कहाँ कहाँ पर गए हम। स्पेशल टाइट ऑल ओवर सर, हम ले रहे तिरंगा जो बाकी रह गई थी पूरी, 150 पतंग हो गए। अभी हो चुके हैं शॉपिंग, वापस घर जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या लिया हमने आज। तो हम लेकर आए टोटल 150 पतंग एंड 7 कैंडल्स, हम वापस घर जा रहे हैं एंड दिखाते आपको टोटल मंजा। हमने मंजा के हमने बाद में ट्राई करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा महंगा रेट होता है। आ चुके हैं सीधा छत पे पतंग उड़ाने के लिए, देख सकते कौन है। यस सावन मोहित तेज बोल रहा है, रोटी नहीं खाई सुबह है भाई, एक पतंग था 5 पतंग काटी, एक पतंग से 15 गांड मार दी। अब आराम से उड़ाओ ना, जरूरी छोड़ दिया यार। Yes, boy! Yo baby, yo yes bhai, yo 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 baby, yo yo Shivam bhai, yo ye Shivam bhai apne
और ये शिवम भाई की पतंग, देख रहे हो आप तिरंगा उड़ रही है, ये है शिवम भाई की पतंग। सो गाइस अब जाने वाले जिम एंड प्री वर्कआउट में मैंने लिया था 2 आलू उबले हुए और थोड़े से राइस लिए थे एंड थोड़ी सी सब्जी रखी थी आलू की हुई वो ली थी मैंने। आज डेडलिफ्ट का सेशन है तो देखते हैं क्या क्या इस हिसाब से करेंगे, भैया से पूछते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में किस हिसाब से कौन सा सेट और कितने रैप के साथ लगाना है। तो मिलते जिम में सीधा। हाइपर एक्शन से लगाओ, to the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. सुबह पहला सेट लगाने वाले 50 kg का बूम सेट लेंगे पहला, देखते हैं 12 रैप निकालेंगे बूम अपना। Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. सभी वेट हो गया 90 के जी, देखते हैं 8 रैप निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए आज। हाई रैप हाई वेट में देखेंगे कितना जाएगा क्या। 150 के जी लास्ट हम ट्राई करेंगे, और पिछली बार 140 के जी हो गया था, आज मैं 50 के जी तक ट्राई करूँगा। I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. So we wait, okay, 110 kg. Yeah, yeah. Yeah, 4 rep nikalenge. Yeah. And uske baad dobara wait karenge. Dikho tum. Make time, all these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Chalo bhai dost, so bhai laga rahe 130 130 kg ho gaya, and do baar se do rep ke try karenge 2 set. That's right, I swear to God that I can chop you, bro. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, 145 kg. 1 रैप पे ट्राई करेंगे, पिछली बार 145 kg हो गया, एंड अब 1 रैप पे ट्राई करेंगे। पिछली बार 140 लगाया था, उसमें 1 रैप निकला था लास्ट ईयर का, तब ट्राई करेंगे 145।
Ready to go, man, lock it low. Lock it low, lock it low. That's right. I swear to God that. सॉरी 145 केजी नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। लास्ट प्याज जो हमारा था 140 केजी था, तो सोच रहे थे कि आज हो जाएगा 145 केजी, पर इतनी जल्दी नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाए। एंड हमारे महीने के पड़े अभी हमारे पास पूरे इक्विपमेंट नहीं थे, जो हमारी मेरी वो बेस स्क्रिप्ट थी वो अभी नहीं है मेरे पास। एंड दो तीन चीज़ और लानी है, उसके बाद पूरी परफॉर्मेंस लाने के तो पूरी पूरी ट्राई करेंगे। सो अभी मैंने जिम से आ चुके हैं घर पे, तो अभी 5 अंडे लिए हैं। एंड इसके बाद मम्मी खाना बना रही है, मैं दिखाता हूँ उसके बाद क्या कह लेंगे। पर अभी इससे पहले एग्स खा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वर्कआउट करेगा तभी आए। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट मील में। सो हो चुके हैं मिल खत्म। एंड अब लास्ट टाइम तो हम आज जो डेडलिफ्ट लगाए थे उसमें 145 केजी लास्ट लगाया था, जिसमें हम फेल हो गए थे। मैंने वैसे तो 140 केजी हो चुका है मेरा क्लियर, पर आज भैया ने सीधा 145 केजी करवा दिया तो नहीं उठा पाए। पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे कि 145 केजी जो है वो पूरा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।